हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे ड्यूल हेडलाइट रिले की। तो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पास यूएनओ मिंटा की एक ड्यूल हेडलाइट रिले है। तो ये रिले कुछ इस टाइप से आती है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर और इसका क्या यूज़ है, कहाँ पर इस्तेमाल होती है, पूरा इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, ये रिले कुछ इस टाइप से आती है। इसमें टोटल 6 वायर्स रहती हैं और इसको ड्यूल हेडलाइट रिले बोलते हैं, क्योंकि जो 2 हेडलाइट है ये इसको जो है ऑपरेट कर सकती है। तो इसका क्या यूज़ है पहले उस पे ऊपर बात करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देखते हैं आपकी कोई भी गाड़ी हो तो उसमें जो है पहले है 55 और 60 वाट के जो है बल्ब्स आते हैं, हेलोजन बल्ब्स आते हैं। तो अगर आप उनको जो है बड़ी वाट का कोई बल्ब लगाना चाहते हो, जैसे कि ओसराम का जी आप देखते हैं, अगर आप इसको जो है 90 और 100 वाट का अगर आप बल्ब लगाना चाहते हो तो इस हेडलाइट रिले की आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी। या फिर इससे भी बड़ा आप जो है 130 और 100 वाट का जो बल्ब अगर आप लगाना चाहते हो तब भी आप इस रिले को जो है यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, आप देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सूटेबल अप टू 130-100 वाट। तो 130 वाट तक का बल्ब आप जो है इसके साथ जो है लगा सकते हो। तो गाइस, इसके साथ एक यूज़र मैनुअल भी आती है। तो इसके ऊपर जो ये डायग्राम बनाई गई है ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे काम करता है। तो गाइस, आप देखते हैं यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है। तो ये डायग्राम जहाँ पर आप देखते हैं ये जो ऊपर ये जो दिया गया है ये कनेक्टर वाला, ये इसका सिंबल यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस टाइप से ये सीधी है। तो अभी बात कर लेते हैं इसके कनेक्शन की। यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर T1 और T2 लिखा हुआ है। T1 का मतलब है टर्मिनल 1 और T2 का मतलब है टर्मिनल 2। तो टर्मिनल 1 आप देखते हैं यहाँ पर जो है येलो और बीच में वाइट की पट्टी है, तो ये जाएगी आपके पॉजिटिव में बैटरी के। और साथ ही में जो नीचे है T2 वो है ब्लैक कलर की वायर है, तो ये जाएगी ग्राउंड में या फिर आपके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के। उसके बाद गाइस, यहाँ पर S1 और S2 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप जो है इनपुट दोगे इसको लो बीम और हाई बीम का, आप अपनी मर्जी के हिसाब से दे सकते हो। जैसे कि येलो में आप लो लगा सकते हो, रेड में आप हाई लगा सकते हो, सेम वैसी आउटपुट आपको जो है ऐसे मिलेगी। यहाँ पर L1 और L2 लिखा है। अगर आपने S1 पे लो बीम लगाया तो L1 पे आपको लो बीम मिलेगा, और अगर आपने यहाँ पर हाई बीम लगाया तो आपको हाई बीम मिल जाएगा। सेम ऐसा ही S2 का जो है वो L2 में आपको जो है आउटपुट मिलेगा। तो इस टाइप से इसका कनेक्शन है, काफ़ी सिंपल है। अभी इसका जो हम जो है प्रैक्टिकल कनेक्शन करते हैं। तो गाइस, अगर आप को अपनी बाइक में लगाना चाहते हो तो आपको जो है एक फीमेल H4 ऐसे जो है होल्डर की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही में एक मेल H4 कनेक्टर की आपको जो है जरूरत पड़ेगी। और अगर आप इसको अपनी गाड़ी में लगाना चाहते हो तो यहाँ पर फीमेल सॉकेट आपको 2 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो है 2 बल्ब लगे होते हैं। और ये जो बल्ब है ये चीनी मिट्टी के बने होते हैं, ताकि अगर बल्ब गर्म हो तो होल्डर जो है पिघले ना। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, ये स्पेशल होते हैं और इसकी वायर भी थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि अगर आप हाई वाट का बल्ब यूज़ करते हो तो आपको जो है इस टाइप से कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो क्या अभी हम इसका जो है कनेक्शन करेंगे, तो जैसे कि आप देखते हैं बल्ब के ऊपर कोई भी यहाँ पर आपको लो बीम या फिर हाई बीम लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको ये दोनों जो मेल और फीमेल सॉकेट है इसमें लो बीम और हाई बीम को ढूंढना है कौन सा है, और नेगेटिव की सप्लाई कौन सी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो गाइस, फीमेल सॉकेट में जो राइट हैंड साइड वाला जो कनेक्टर होगा ये सबसे पहले जो है राइट हैंड साइड वाला ये जो कनेक्टर है ये नेगेटिव का होगा। उसके ऊपर जो सबसे ऊपर होगा ये वाला जो है लो बीम का होता है, और जो लेफ्ट वाला होता है वो हाई बीम का होता है। तो गाइस, स्प्लेंडर बाइक का ये H4 सॉकेट का ये कपलर है, तो इसमें आपको जो है क्लैरिटी होगी। तो जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर जो ग्रीन कलर की वायर है वो राइट साइड में है, तो नेगेटिव इसका राइट साइड में होता है। और वाइट कलर की वायर जो ऊपर लगी हुई है ये लो बीम की होती है, तो ऊपर वाली जो कनेक्टर है वो लो बीम का होता है, और जो लेफ्ट वाला है वो यहाँ पर ब्लू कलर की वायर है तो वो हाई बीम का होता है। अभी सेम हम जो है मेल कनेक्टर में देखेंगे, तो मेल कनेक्टर कुछ इस टाइप से लगेगा आप देखते हैं यहाँ पर। तो इसका जो है जो इसका लो बीम है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन और हाई बीम और जो नेगेटिव सप्लाई है वो इसकी उलट हो जाएगी। तो जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर अगर इस टाइप से रहेगा तो ऊपर वाला जो है वो लो बीम का होगा, और जो राइट साइड वाला है वो इसका हाई बीम का होगा, और जो लेफ्ट साइड वाला है वो इसका जो है नेगेटिव का होगा। तो इस टाइप से आपको जो है अभी मैंने बता दिया है इसका नेगेटिव पोस्ट नेगेटिव और लो बीम हाई बीम। तो अभी इसका हम कनेक्शन करते हैं। तो गाइस, आप देखते हैं यहाँ पर T1 T2 तो हमें जो है बैटरी से ही मिलेगा, तो इसकी वायरिंग को हम नहीं छेड़ेंगे, ये बाद में कर लेंगे हम। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आप देखते हैं S1 और S2 जो है ये आपके मेल कनेक्टर में लगेगा, तो इस कनेक्टर में ये लगेगा। तो मेल कनेक्टर में आप देखते हैं यहाँ पर जो रेड कलर की वायर है वो जो हाई बीम है उसकी है, और जो वाइट कलर की वायर है वो लो बीम की है। तो सेम ऐसा ही हम करेंगे, हम इसकी जो येलो वायर है वो लो बीम से लगाएंगे, मतलब येलो वायर हम जो है वाइट कलर की वायर से लगा देंगे, और रेड वायर जो है वो हाई बीम में लगा देंगे, मतलब रेड में रेड जो है अटैच कर देंगे। तो इस टाइप से इसका लो बीम और हाई बीम का कनेक्शन हो गया।
तो गाइस आप देखते हैं लो बीम और हाई बीम का भी कनेक्शन हो गया। अभी इसकी जो ब्लैक वायर है वो तो ग्राउंड ही होगी, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। अभी हम जो फीमेल सॉकेट है उसका भी हम जो है कनेक्शन करते हैं। तो सेम टू सेम जैसे येलो के आगे आ रही है ये ग्रीन कलर की वायर, तो इसमें आपको लो बीम मिलेगा और जो ब्लू कलर की वायर है उसमें आपको हाई बीम मिलेगा। तो सेम ऐसे ही आपको जो है फीमेल सॉकेट में इसको लगा देना है। तो फीमेल सॉकेट की आप देखते हैं यहाँ पर जो रेड कलर की वायर है वो हाई बीम की है और जो वाइट कलर की वायर है वो लो बीम की है और यहाँ पर जो ब्लू कलर की वायर है वो नेगेटिव की है। तो सेम हम जो है वाइट और रेड को जो है हाई बीम और लो बीम में लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो वाइट कलर की वायर है वो लो बीम की है, तो लो बीम आपको पता है कि हमने येलो से लगाया था, तो इसको हम ग्रीन से लगा देंगे। तो यहाँ पर इसको जो है लो बीम का आउटपुट मिल जाएगा। सेम ऐसे ही इसकी जो रेड कलर की वायर है वो रिले की ब्लू कलर की वायर से लगा देंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें जो है हाई बीम का आउटपुट मिलेगा। तो इस टाइप से इसका कनेक्शन हो चुका है। अभी जो जो फीमेल सॉकेट का जो नेगेटिव के टर्मिनल है और साथ ही में जो मेल सॉकेट का नेगेटिव है और साथ ही में इसका जो रिले का नेगेटिव है, वो तीनों वायर को हम अटैच करके जो है ये नेगेटिव में चली जाएगी और ये जो येल्लो और बीच में वाइट की पट्टी है ये आपके पॉजिटिव में चली जाएगी। तो इतना इसका कनेक्शन था। तो भाई यहाँ तक मैंने आपको इसका कनेक्शन करना बताया। अगर आप इसका कनेक्शन ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आपको मैं इजी वे भी बताऊंगा वीडियो के बाद में। तो चलेगा जब इसको अपनी बाइक में लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो मैंने इसकी ग्राउंड की वायर है इसको मैं ब्लैक कलर की वायर से यहाँ पर लगा देता हूँ और साथ ही में इसकी जो येल्लो की पट्टी और बीच में वाइट की पट्टी है ये वाली जो वायर है ये पॉजिटिव में जाएगी बैटरी की। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये वायर मोटी होनी चाहिए, मेरे पास इतनी मोटी वायर नहीं थी तो इसलिए मैंने ये दो वायर को ज्वाइंट करके रखा है। तो इसके साथ इसको लगा देता हूँ और ये सीधी जाएगी आपके बैटरी के पॉजिटिव के साथ। यहाँ पर जो है आपका जो मेल टर्मिनल है वो यहाँ पर लग जाएगा, जो आपका फीमेल सॉकेट आ रही होगी पीछे से, और जो इसका फीमेल वाला ये सॉकेट है इसके ऊपर आप जो है 130 वाट तक का कोई भी आप बल्ब लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं 60 और 55 वाट का ही बल्ब मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि बैटरी उतना झेल नहीं पाएगी, क्योंकि बैटरी बड़ी होगी तो चाहे जितना मर्जी बड़ा बल्ब लगा सकते हो आप। तो गाइस आप देखते हो ये 55 और 60 वाट का बल्ब है जो कि बुलेट वगैरह में आता है, तो इसकी लाइट आप देखते हैं काफ़ी बढ़ गई है। अभी मैं आपको जो है 100 वाट और 90 वाट का बल्ब यहाँ पर यूज़ करके दिखाता हूँ, तो उसकी लाइट कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। आप देखते हैं काफ़ी अच्छी लाइट है इसकी। और अभी लास्ट में हम यूज़ करेंगे 130 वाट का बल्ब और उसकी लाइट आप देखते हैं यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है इसकी। अभी मैंने पूरा अंधेरा करके रखा है और आप देखते हैं ये काफ़ी अच्छी लाइट है इसकी। तो गाइस अब बात करते हैं अगर आप इसकी वायरिंग नहीं करना चाहते हो तो इसकी जो है बनी बनाई किट भी आती है जो कि गाड़ी के लिए आती है, और मैं प्रेफर करूंगा इस रिले को आप जो है गाड़ी में ही यूज़ करो। अगर आप इसको बाइक में यूज़ करते हो तो बाइक का जो रेगुलेटर होता है जो चार्ज करता है आपकी बैटरी को वो जो है इतना चार्ज नहीं प्रोड्यूस करता जितना कि आपका जो हैलोजन वाला बल्ब है वो इसको ड्रेन कर देगा। तो गाइस कुछ इस टाइप की ये वायरिंग आती है और रिले के साथ आती है। एक इसमें आपको रिले मिलती है, दो ऐसे फ्यूज़ मिलते हैं 20 एम्पियर के, और क्या साथ ही में आपको जो है जैसे हमने फीमेल सॉकेट दो लगाई थी सेम टू सेम ऐसे आपको दो फीमेल सॉकेट और एक मेल सॉकेट मिलती है इसको लगाने के लिए, और जो इसकी ये वाली जो वायर है ये जो है ग्राउंड में जाती है। तो इस टाइप से ये पूरी किट आती है इसकी, तो ये भी आप जो है अपनी गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं। तो क्या सेम थिंग मैं अपनी गाड़ी में भी करने जा रहा हूँ, मैं इसमें जो है 190 वाट के बल्ब डालूंगा। अगर आपको जो है इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना कि आपको वीडियो चाहिए नहीं, मैं इसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइस अभी के लिए तो सब कुछ सही चल रहा है, इसकी लाइट वगैरह भी सही चल रही है और बैटरी भी फुल चार्ज है। तो देखते हैं कितने टाइम तक ये चार्ज रहती है, और इसके मैं चार्जिंग यूनिट को अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा मिल जाए कि जो बैटरी इसकी जो है जल्दी चार्ज करने लगे, और मैं ऑलरेडी इसका जो रेक्टिफायर है उसको मैं चेंज करके देख चुका हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि इसकी जो कॉइल है उसमें ही कुछ अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, तो वो बात की बात है। देखते हैं कितना टाइम तक ये निकालता है और आपको ये अपडेट मैं दे दूँगा। मैं कम्युनिटी टैब में यहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा कुछ दिन के बाद कि ये कैसा रिस्पॉन्स है इसका। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको रिले की वायरिंग समझाई उतनी आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।